हेलो एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। सो आज हम करने वाले हैं, मैं आपको वर्ल्ड दिखा देता हूँ पहले, और आज हम करने वाले हैं हमारे लिए एक आयरन का आर्मर बनाने वाले, पूरा का पूरा। अभी मेरे पास लेदर का आर्मर है, सो हम आयरन का बनाएंगे, और हमारे लिए ढूंढेंगे एक घोड़ा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको मेरा घर दिखा देता हूँ। मैंने घर पर बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है। वो जो मेरा डेजर्ट वाला घर था वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट में मुझे रिसोर्सेज अच्छे खासे नहीं मिल रहे थे। सो मैं वहाँ पर घर लीव कर दिया मैंने, और ये रेल बनाई विलेजर्स के लिए, और ये मेरा घर है। तो फिर अभी हम घर के अंदर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एकदम BBS जैसा घर है, सेफ्टी से मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने बना लिया घर। सो ये हमारी चेस्ट है, वॉल्यूम कम कर लिया। हाँ सो ये हमारी चेस्ट है, इसमें ये जो एन्चेंटेड बुक्स है, ल्योर 2 और ब्लास्ट फॉलिंग, ये सब मुझे मिला है फिशिंग करके। तो फिशिंग में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और ये मैंने एक जगह छोड़ी बेड के लिए, क्योंकि मेरे साथ तीन फ्रेंड्स खेलते हैं मेरे, तो अभी नहीं है वो। तीन बेड बनाए मैंने, एक बेड मैंने तोड़ लिया था, मैं एडवेंचर पे गया था। और फिर मैंने अपना नीचे का बनाया, और मैंने चेस्ट रूम बनाया। तो चेस्ट में बहुत कुछ है, अभी दिखाते तो टाइम लग जाएगा। तो हम सबसे पहले हमारे लिए बना लेते हैं हमारे आयरन का आर्मर। तो हमारे आयरन इंगोट्स कहाँ पर है? आयरन गोट जो थे शायद यहाँ पर रखे रहने चाहिए। आयरन इंगोट्स हमारे पास यहाँ पर है, तो 25 ले लेता हूँ यहाँ से, और मैं बाकी के ले लेता हूँ ब्लास्ट फर्नेस में रखे रहेंगे मैंने। हाँ 26 यहाँ से। सो हमारे को कोल भी ले लेते हैं, और फिर हम बनाते अभी हमारे लिए आर्मर। सो हम रूम बना ले, हमारे लिए आर्मर बना लेते हैं। तो फिर सबसे पहले हम बनाएंगे एक हेलमेट। यार जगह नहीं है, पहले मैं चेस्ट में रख देता हूँ सब सामान। और बिल्ली को लग जाती। सो और मैं नीचे रख के आता सारा सामान। यार बहुत सामान है, मैंने आज माइनिंग भी की थी, लेकिन यार डायमंड एक ही मिला। हमारा लक बहुत अनलकी है, क्या बोलूँ मैं। हाँ सो फिर मैं यहाँ पर ये सब रख देता हूँ, छोड़ो इतनी जगह काफ़ी है। अब हम चलते हैं हमारे आर्मर बनाने के लिए पूरा का पूरा। तो यहाँ पर मैंने हेलमेट बना लिया, एक चेस्ट प्लेट बना लेते हैं, एक लेगिंग्स बना लेते हैं, और एक जूते बना लेते हैं। अब हम चेंज करने वाले हैं हमारे लेदर से आयरन के आर्मर में। सो हम पहले हेलमेट पहन लेते हैं, फिर चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, और ये बन गया हमारे जूते। वाह मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। सो फिर हम चलते हैं अभी एन्चेंटमेंट करने के लिए। तो एन्चेंटमेंट करने के लिए हम आते हैं, ये हमारी एन्चेंटिंग टेबल है। तो पहले मैं ये सब निकाल लेता हूँ, थोड़ी निकाल लेते हैं, और देखते हैं कौन सी एन्चेंटमेंट है। यहाँ पर हम हेलमेट रखते हैं। सो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन फोर मैं लूँगा, क्योंकि इसके लिए लेवल रिक्वायरमेंट 24 तो मैं बाद में लेता हूँ। लेकिन इसको देखते क्या क्या है, इसमें फायर प्रोटेक्शन 2, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 2। हाँ प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 2 मैं लेता हूँ अभी लैपिस लाजुली लाकर। सो मैं लैपिस लाजुली ला लेता हूँ, पहले लैपिस लाजुली यहाँ पर है। दिल्ली हम यहाँ करा बंद करो, मुझे डर लग रहा है। हाँ सो एन्चेंटिंग टेबल की तरफ चलते हैं, और हम शायद हमारे एन्चेंटमेंट लेगिंग्स पे लगा रहे हैं शायद। हाँ लेगिंग्स पे लगा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन टू मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास 24 लेवल अभी है नहीं, और मुझे मेरी एक वो मेरी आयरन की पिकैक्स को फॉर्चून 2 देना है। मेरी आयरन की पिकैक्स में फॉर्चून 2 मिल रहा है मुझे इसमें, तो फिर मैं बाद में ले लूँगा। 24 लेवल उसके लिए बचिए, वो बाद में लेते हैं। सो इस पर हम प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 2 लगा देते हैं, और अब बच गए हमारे जूते। इस पर क्या मिल रहा है, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 की लैपिस लाजुली हटा देते हैं। फेदर फॉलिंग 3 और हाँ फेदर फॉलिंग 3 मैं लेने वाला हूँ, फेदर फॉलिंग 3 लगा देते हैं इस पर। और हम हमारे आर्मर्स पहन लेते हैं, इसमें हम बाद में आएंगे, इसमें बाद में आएंगे, लग चुके हैं। तो चलते हैं, हमारा पूरा आर्मर कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब हम ढूंढने चलते हैं हमारे लिए घोड़ा, जिसपे हम लगाएंगे हमारे सैडल। उसका नाम भी हम सोच लेंगे उसी टाइम पे। सो हमारा सैडल किधर पे है, हमारा जो सैडल है, हाँ एक सैडल हमें मिल गया। ये बहुत सारे सैडल्स हैं जो कि हमें मिले फिशिंग करके। सो हम फिशिंग बाद में करने चलेंगे, और भी फिशिंग में बहुत चीज़ें मिलती हैं हमें। और हमारे पास एक ट्राइडेंट भी था, जो कि हमें ड्राउंड ने दिया था, हमारा लक बहुत अच्छा था उस टाइम। सो मैं रॉक और कुक और इसको कुक करने के लिए रख देता हूँ मैं।
मुझे खाना चाहिए अभी, फिर मैं घोड़ा घोड़ा ढूंढने जाऊंगा। सो मिलते हैं खाना पकने के बाद, थोड़ा सा खाना पका लेता हूँ बस। ठीक है, हमने खाना खा लिया और खाना पका भी लिया, यहाँ पर रात होने वाली है सो हम पहले सो जाते हैं हमारे लिए, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो गया मैं यहाँ पर, उठ गया और फिर हम अभी यहाँ पर खाना पकने के लिए, जब तक हम आएंगे तो हमारा खाना पक चुका रहेगा। सो अभी हमें बनाना है कार्टोग्राफी टेबल, ताकि हमारे जो विलेजर्स हैं उनके उनमें एक कार्टोग्राफर आ जाए, वो हमें ट्रेड से मैप्स देंगे तो हम ट्रेजर लूटते जाएंगे। और ये भेड़ कहाँ से अंदर चली गई यार, बाहर आ जाए। हाँ, सो यहाँ पर हमारे विलेजर्स हैं जो कि अंदर है, अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपने काम पे लगे हैं, और बाकी के विलेजर्स शायद बटन खोल के चल जाते हैं बाहर। तू क्या दे रहा है? ये दे रहा है हमें एफिशिएंसी 4, लेकिन 42 एमरल्ड्स बहुत ज़्यादा है, सो हम बाहर ले लेंगे इससे 42 एमरल्ड्स। तो हमारे पास 6 से 8 ही एमरल्ड्स हैं। सो हम चलते हैं हमारे लिए घोड़ा ढूंढने। तो हमने एक सैडल उठा ली और फिर हम बना लेते हैं एक आयरन की सोर्ड, जो हमारे हेल्प करेगी फाइट करने के लिए बीच में जो भी आएगा। सो हम हमारे लिए घोड़ा ढूंढने चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें मिल चुका है घोड़ा यहाँ पर जो सामने दिख रहा है, अभी हम उसको टेम करने वाले हैं। सबसे पहले जाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ओके, तो इसमें हमें टेम हो गया है ये घोड़ा। चलिए अभी हम चलते हैं इससे हमारे घर पर। इसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, शायद से मुझे चेंज कर लेना चाहिए घोड़ा। इसकी स्पीड अच्छी नहीं ज़्यादा, इसकी स्पीड देखते हैं। उतार दिया, प्लीज घोड़े इन्वेंटरी दे दे। घोड़े तुझे बहुत कुछ खिलाऊंगा। घोड़े घोड़ू, इसका नाम चलो टीम होगा। सो हम इसका नाम सोचेंगे बाद में। भाई ये तो सीरियसली मेरा सारा दे दे। अब इस घोड़े को ट्राई करते हैं। भाई मेरा हर्ट दिखाती नहीं। अरे ये स्पीड है बहुत अच्छा खासा है। मेरे घर के बाजू में एक विलेज है, सो ये हमारे लिए एक फ़ायदा है। और दो घोड़े मेरे को मिले थे ये वाले, लेकिन ये अभी स्मॉल थोड़े छोटे हैं घोड़े, तो इसमें मैंने इन्हें टेम नहीं किया। छोटे घोड़े ज़्यादा स्पीड या फिर जंप नहीं कर पाते। सो हम घोड़े को रखते हैं अपने स्टेबल में। हमने घोड़े के लिए बड़ा सा स्टेबल बनाया है। घोड़ा ये जंप में अच्छा है कि नहीं? हाँ, जंप में काफ़ी अच्छा है ये। हाँ, सो हम घोड़े को अभी रख देते हैं। और हमारे जो फॉर्चून की जो फॉर्चून बोल रहा हूँ मैं, हमारी जो पिकैक्स है हम उसको रिपेयर कर लेते हैं अभी एनवल से। यहाँ पर आयरन इनगोल्स आएंगे और जो हमारी पिकैक्स है वो रिपेयर होगी। एक्टिव और 3, चलो ठीक है आयरन इनगोल्स रख देते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्चून 2 मिल रहा है हमें इसमें। एन्चेंटिंग टेबल पर रखेंगे तब फॉर्चून तो कहाँ पर गई? शिट, मैंने एन्चेंट कर लिया आर्मर को, इसलिए चेंज हो गई यार। फॉर्चून 2 मिल रही थी यहाँ पर लास्ट में, अनब्रेकिंग 3 मिल रही है। शायद मैंने आर्मर को एन्चेंट कर लिया इसलिए ऐसा हो गया क्या? मुझे पहले उसे कर लेना चाहिए था यार। फिर छोड़ो, मिलेगी फॉर्चून 2 भी हमें कभी। अरे यार नीचे चल। हाँ चलो, नीचे आ गया। सो चलो फ्रेंड्स, इतना ही था हमारा वीडियो। हमने हमारे आर्मर को एन्चेंट करके हमने आयरन का आर्मर बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जो घोड़े को इसको नाम देंगे, क्योंकि हमारे पास नेम टैग्स काफ़ी है। नेम टैग्स
देख दिखाता हूँ आपको नेम टैग्स कितने हमारे पास। अभी हमारे पास नेम टैग्स शायद यहाँ पर थे, हाँ नेम टैग्स हमारे पास 12 नेम टैग्स है। वे भी फिशिंग करके मिले क्योंकि फिशिंग का बहुत बेनिफिट होता है। सो हम नेम टैग्स बाद में नेम रख देंगे हमारे घोड़े का, और घोड़े के लिए एक आर्मर भी ढूंढते हैं। आर्मर शायद नहीं हमारे पास, क्या है देखते हैं, शायद नहीं है आर्मर। हमारे पास एक ट्राइडेंट है, देखिए इसमें लॉयल्टी 3 और मेंडिंग लगी है, काफ़ी अच्छा है इसलिए मैं लेके नहीं जाता। और एक कार्टोग्राफी टेबल हमारे पास है, सो हम कार्टोग्राफर बना देते हैं, हमारे एक विलेजर को कार्टोग्राफर बना देते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी अगर हम थोड़ा और करेंगे तो कुछ, इसलिए हम कार्टोग्राफर बना देते हैं एक जन को। चलो मैं कार्टोग्राफी टेबल रख देता हूँ यहाँ, कहाँ पर रखूँ, यहाँ पर रख देता हूँ घर के पास। इसको तो मारना पड़ेगा हमें, विलेजर्स का घर है, स्पेशल विलेजर्स का घर। तुम लोग के लिए भी घर दिया है मैंने, कार्टोग्राफी टेबल पता नहीं क्या होता है उसमें। सो हमारा कोई बंदा कार्टोग्राफर बना के नहीं बनाएगा कार्टोग्राफर, सो शायद बाद में बनेगा, इनका ऐसा रूल होता है मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक बार मैंने लाइब्रेरियन को भी देर मतलब मैंने लेक्टर्न 2 रखे थे तो कोई बना नहीं था, फिर जब मैं रिटर्न आया तो फिर मुझे लाइब्रेरियंस दिखे, तो फिर मैं देखता हूँ लाइब्रेरियन को कार्टोग्राफर कोई बना कि नहीं बन जाओ यार, इतने खाली बैठे हो, कार्टोग्राफर तो बनो। चलो यहाँ पर वीडियो हम एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे डायमंड्स ढूंढेंगे, क्योंकि मेरा लक ये वर्ल्ड में इतना ख़राब चल रहा है, मैं लावे के नीचे एक बार भी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, मैंने लावा मिला था मेरे को, लावा का पूल जैसा दिख गया था, और वो ऐसा समझो ये नीचे लावा है और यहाँ पर एक ऐसा डायमंड पड़ा था, मैंने पूरा कॉबलस्टोन अपना वेस्ट कर दिया एक वो डायमंड ढूंढने के लिए, और मुझे डायमंड लक से खाली एक मिला। अगर शायद मैं यहाँ पर फॉर्चून लेके जाता, मेरे को फिशिंग करके फॉर्चून की बुक भी मिली थी, सो मैं फॉर्चून शायद लेके जाता तो मुझे 2-3 डायमंड्स मिल सकते थे। सो हम ये आयरन इनगोट्स को रख देते हैं यहाँ पर, हाँ तो फिर मिल सकते थे, लेकिन हमने वैसा किया नहीं क्योंकि मेरी फॉर्चून की जो पिकैक्स है वो चली गई थी लावे में, गलती से मैं गिर गया था। सो फिर फ्रेंड्स अभी हमें डायमंड्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें बनाना है एक नेदर पोर्टल। सो हम नेदर पोर्टल तो ढूंढेंगे डायमंड मिलने के बाद, उससे ऑब्सीडियन चाहिए रहेगा हमें, अरे ऑब्सीडियन चाहिए रहेगा हमें जिससे हम बनाएंगे हमारा नेदर पोर्टल। सो हम ट्राई करेंगे डायमंड्स ढूंढने के नेक्स्ट वीडियो, सिर्फ पिकैक्स बनाएंगे। सो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो, सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, अगली वीडियो में आना।